सर आज जो फिल्म हम देखने वाले हैं वो बहुत ही मशहूर फिल्म रही है जिसका नाम है शिंडलर्स लिस्ट। जी हॉलीवुड के एक फेमस डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसे डायरेक्ट किया था और बहुत से ऑस्कर अवार्ड भी इसने जीते हैं। अच्छा इस फिल्म की थोड़ी सी स्टोरी लाइन में आपको बता दूं कि जो दूसरा विश्व युद्ध था ये उस दौर के ऊपर बनाई गई एक फिल्म है जिसमें बताया गया है कि यहूदियों पर किस तरीके से अत्याचार हुआ था और एक बंदा किस तरीके से बहुत सारे लोगों की जान बचाता है। और ये जो है एक असल कहानी पे बेस्ड फिल्म है, अच्छा। तो आप इसे देखिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो सर यहूदी हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो कोई भी हो इंसान पे तो अच्छे अत्याचार करना जुल्म है, ये तो बहुत बुरी बात। तो सर आप बता रहे हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस कहानी के ऊपर आधारित, तो सर वो तो इतनी बड़ी घटना घटी है, हमारे पुराने पुरख बताते हैं कि वो खतरनाक कार्यकाल रहा है, दुनिया ने जो है कि बड़ी घटना को देखा है, बड़ी खतरनाक चीज थी वो, बहुत खतरनाक हादसा था। तो सर जैसा आप बता रहे हैं कि इतनी अच्छी फिल्म है और इतने इनाम जीते हैं और डायरेक्टर भी इतना अच्छा है, तो मेरी जो अंदर की उत्सुकता है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आप लगाई जाए। और उत्सुकता के साथ साथ बादशाह मेरी उम्मीदें भी बढ़ रही है। हाँ अब देखना है कि मेरी उम्मीदों पर खरा उतर पाती है कि नहीं, क्योंकि उस वक्त को पिरोना हाँ कैमरे के आधार पे हाँ वो मैं देखना चाहूंगा कि उस वक्त क्या क्या हुआ होगा। सिर्फ सुना ही सुना था कि द्वितीय विश्व युद्ध बहुत खतरनाक हुआ था। हाँ बुझ गई वो, बुझ गई वो और प्रार्थना भी रुक गई, खत्म वो प्रार्थना भी रुक गई। ओ जो बाबा आदम के पुराने जमाने की ट्रेन दिखा दी यार, मैं सोच भी नहीं सकता। बताओ 1940-39 का समय बता रहा बाबू, बताओ उस वक्त भी कोट पैंट चलते थे। 10,000 यहूदी आए इस शहर में, काराकाओ शहर में ना, काओ का शहर में। अच्छा यहूदी, चलो टाइप सुकर हेलेना, उस जमाने में भी टाइप की मशीनें चलती थी यार। हाँ यार बताओ आप, उस वक्त की घड़ी है देखो आप, नोट देखो, हाथ के बटन, टाई देखो, कोट पैंट देखो, ओहो जहाँ से निकाल लिया नोट ही नोट निकाल लिया, जहाँ हाथ डाल लिया वहां से गड्डी बाहर आ रही। अब ये तो हिटलर का निशान है बादशाह, तो हो सकता वो हिटलर ही हो, मैं देख चुका हूँ पिछली वीडियो में। अरे खाना पूछी मत करो यार, हमें भी सुनने सब कुछ बोलू, लो सब बख्शीश दे दी धीरे से उन्होंने। बादशाह 1940 का वक्त तो देखो कैसा रहता था यार। हाँ यार बताओ, उस जमाने में भी ऐसे ही नाच चलता था बस। हाँ यार हाथ में हाथ डाल लो हाँ। और ये नाच रहा ज्यादा, और आजकल उछल कूद नहीं होती थी। हाँ ये नौजवान कौन है बाबा, कोई फिल्मों में सिगरेट या बीड़ी या ऐसी चीजें पीते ना, तो पीने वाले के चेहरे को देखता हूँ मैं तो, के पीते हुए कितना अच्छा लगता हो। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं भैया। हाँ पिक्चर भी जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही है, मैडम उनको पसंद आ गई है। हाँ अलग अलग तरीके हैं। हाँ इतनी दारू आती है क्या? ये शिंडलर है। और अच्छा ये है बंदा, मतलब उसके नाम पे फिल्म रखी है नहीं, मतलब मेन हीरो यही रहेगा। ओहो सबको दोस्त बना लिया हमने। हाँ बताओ, सब पे खर्चा कर दिया हमने क्या? हाँ ऐसे कर दिया। अटेंशन सलामी दो, अच्छा बाल काट रहा है यार। यहूदियों पे बहुत शिकंजे कसे जा रही है। यहूदियों का पैसा लगवा दिया वो मालिक खुद बनेगा। They put up all the money. I do all the work. What if you don't mind my asking what you do? बताया That it had a certain panache. That's what I'm good at. Not the work, not the work, the presentation. Oh ho ho ho! Peshkash.
वो पक्का बिजनेसमैन है, काम वो करेगा, पैसा यहूदियों का लगेगा, काम प्रचार करवाएगा, वो बस खर्चा करेगा नहीं है। सर से बैठे बैठे मैंने क्या बातें करवाया, अरे वहाँ तेज बोलना मना है शायद इसीलिए खुशर खुशर था। The German army wants to find out where it came from. They find out. Now is your problem. Sure. सुखे बेच रहा हूँ। Metal containers. Hello. बोलो आ गया आ गया आ गया। इबादत करने आओ, वो इबादत छोड़ के जमाने भर की बातें कर रहा है, वो ऊपर वाले की तरफ ध्यान दो भैया। फटा लिया उसको, ऐसा लग रहा मुझे। राइन भाई पैसे से हर चीज खरीद जा सकती है, देखो तो पब्लिक तो देखो 1941 दिखा रहा है। अरे वो आम को परेशान नहीं कर रहा है, यहूदियों को टारगेट बनाया है उन्होंने, देखो हर यहूदी भाग तो फिर रही है। क्या कर रहा है, कुछ चीज निकाली है उन्होंने। गए 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 निकल गए, ये थोड़ी बड़ी पार्टी दिख रही है मेरे को, अमीर लोग दिख रहा है। वो कुछ सामान छोड़ गया। अच्छा एक बात है, सब अपना जरूरी सामान वो मारा। अरे तुम्हारी तो कैसा माहौल कर दिया था इनने तो यार, बच्चे बच्चे मार के भगा रहा, जली ललक कर रहा है यार, छोटे तो उतार लेते हैं। बच्चे भी हैं रे बाबू, बादशाह मासूम बच्चे भी तो हैं यार। मासूम बच्चे का यार, वो तो बेचारा चल फिर भी नहीं सकता, गोद में नहीं हो तो। एक तरफ तकलीफ दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ ऐश दिखाई जा रही है, और इंसान अपने अपने में लगा हुआ है। हाँ यार वही मेरी समझ में नहीं आ रही है। You look like a clown, you know? रिश्वत खोरी भी उरुज को समझ पाओ। हाँ मतलब जो जितना लूट सकता लूट ले, जो जीत सकता। तो राइन भाई मेरा जहाँ तक मानना है, रिश्वत तो ऐसी चीज है वो तो सदियों से चली आ रही है, आज तक चल रही है, वो तो खत्म ही नहीं होगी। या वो चला गया मसला आया था। There would be a percentage on the company. Forget the whole thing. Get out. लेन देन तो करना पड़ेगा यार। How do we know that you will do what you say? Because I said I would. You want the contract? पैसे लगवाना चाहिए कंपनी में वो। अच्छा वो गड्डी है, फैक्ट्री चालू। फॉर द ब्रिंग योर सिस्टर, ओके। दस सेहतमंद औरतों को जरूरत है, कारीगरों की भर्ती हो रही है। To say that you are an essential worker, I'll get these papers for you at Pankavich. जरूरी कारीगर को अलग कार्ड मिल रहा है, ब्लू कलर का। ये मेरे जो चाचा हैं, उन जैसे लोग होंगे, उनका क्या करेंगे? इसमें तो पॉलिश है। नकली सर्टिफिकेट बनवा लिया। पास कर दिया। क्या बात है यार, ये जो कंपनी खुल रही है ना, ये अपने यहूदी भाइयों को बचाने के लिए कर रही है। ठीक है, आसान है यार। अरे आसान लग रही है भैया, आसान नहीं है, क्या बात कर रहा हूँ। देखो वो सिखा रहा है। हाँ टाइप करना, चेक कर रहा है उसका, इंटरव्यू चल लिया। वो तो भागा यार, मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलो। देखी दी रिया हो तो। वो तो इतनी अच्छी औरतों को देखता हूँ, उनको मैडम जी को क्या देखेगा। औरतों का बहुत शौकीन है वो। फैक्ट्री तो खुल गई है, खैर दावत चल रही है, दावत पानी। हाँ ओहो बहुत खर्चा होता है दावत में यार। They pan on sardines and oh
try to find nylon stocking. वो क्या क्या माल छुपा छुपा के ला रहा है? गरम गरम उठा लिया था उन्होंने. Operational status. Deutsche. यहाँ से काम करो यार. See attached list and available colors. फोटो यहाँ इस्तेमाल कर रिया. I extend to you in advance my sincerest gratitude. And very best regards. खिला पिला के पैसे बांट के सबको खरीद लिया हो. 100 gross from here for next Thursday. ओहो हो. देखो तो माल हो गया तैयार. ये लग गई माल. उसका टेंडर पास हो गया भैया. हजारों कमाएगा हजारों. हाँ. A forgiving priest. हाँ. And a clever accountant. को नौकरी दे दिया हो. Pretend for Christ's sake. और ले 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 ले. अरे ऐसा तो नहीं कि पीते ही नहीं होगा ये. I'm trying to thank you. वो मेहनत करी इसने यहूदी ने. I couldn't have done this without you. सही है. हाँ जो भी है इसकी वजह से. बात मानने वाली औरत हो. I don't have to like her. You do. Just because you do. It doesn't work that way. चलो भी आगे बढ़ो. प्यार हुआ इकरार हुआ पैसा कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशान. क्या बात. No man or maitre d' will ever presume I'm anyone other than Mrs. Schindler. And I'll stay. Lag ja kaam pe. Any reason to think next month will be worse? The war could end. देखो, जंग चल रही है. उस दौरान बर्तन बना बना के बेचे जा रही है बर्तन मांडे. यही तो दिमाग की बात है कि जंग के अंदर धंधा ढूंढ लिया उनने. I'm sure you do. I'll continue to work hard for you. That's great. Thanks. God bless you, sir. All right. You're a good man. He saved my life. Yes, he did. God bless him. शुक्रिया कहने आए थे वो डॉक्टर को. God bless you. टेंशन कौन रही हो? By the way, don't ever do that to me again. Go, 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 die. वो ये तो नहीं सोच रही है कहीं वो एक हाथ है तो ये बिना एक हाथ की कैसे काम करेगा? हो सकता है कुछ हलाकार हो हाथ से पॉलिश कर देता हो. तो अब वो उसके दिमाग में कुछ ऐसे ये उनकी कॉलोनी से दिखाना है निकलते हुए. पहले यार ठंड बहुत पड़ रही है. मौसम तो खतरनाक हो रही है. वाशा है देखो ना बर्फ दिख तो रही हो हमारा. अरे सीने के सीने की गाड़ी हथियार लेके आए वो लोग. क्या लाई क्या लाई? अरे कुल्हाड़ी फावड़े हैं मजदूरों के लिए सामान आया. Some of the officers here don't give a damn about production. अरे बटवाएंगे उससे. अरे ये तो वही चाचा है ना. Duncan, look at the snow. Look at the snow. क्या हो रहा यार? शादी दूसरे से करता है और स्वागत किसी दूसरे के साथ मना रहा है. तुम इतनी बातें क्या देख रहे हो तुम? अरे तुम चले जाओ जरूरी काम हो रही है जा बाद में आना. Leave your luggage on the platform. Yes sir. It's a stern. The list is correct sir. There's nothing I can do. I think I can go with you. We'll both be in southern Russia. Oh, भेड़ बकरियों जैसा ले जा रहे हैं भर के. देखो तो मिल गया मिल गया. Stop the train! अरे आप कहाँ ठहरे हैं? रुक रही है क्या? अरे रुक गई रुक गई रुक गई. तोरा बगैर मानेगा नहीं वो. What if I got here 5 minutes later? Then वो कार्ड भूल गया चक्कर में देरी हो जाती तो मसला हो जाते. हाँ.
हार्ट भूल क्या गया घर वो नियम इतना मजबूत है कि वो बिल्ला भी उतारना नहीं गोली मार देंगे जरा सा अलग समस्या कितने सख्त नियम थे यार मेरे तो दिमाग खराब हो रहा देख के मेरा वो बाजू पे जो पट्टी बांधी है ना अपन को कुली की याद आती है कि वो कुली होके बनी रहती कितने लोगों को लगा जूते ना घड़ियां ना सब क्या जमा हो रही है ये अब इनका क्या करेंगे बेच देंगे लट के भाव और क्या ये क्या है चिट्ठी है दिख रही है जैसे चिट्ठी फोटो कुछ कीमती चीजें निकाल निकाल के कचरा साइड में भटक रहा हूँ वर्ल्ड वॉर के हिटलर की कई वीडियो देख चुका हूँ लाला में अच्छा लेकिन मुझे पहली बार पता चल रहा है कि हकीकत में हुआ क्या था इसके अंदर की चीज दिखाई इन्होंने शहर के अंदर की दांत तक आ गए निकल के मौत वो देखना अपनी दाल के ला रहा है उसके अंदर अरे यार नहीं बात ऐसी बात नहीं है The synagogue, can you see it? That's not a villa. I need to turn it into the camp stables. The house. Astabal banayenge dekho. That's a new villa. Pure. Kuch haath mein tha uske kya? Bahut bekar aadmi dikh rahi hai mere ko. I'm a graduate of civil engineering from the University of Milan. I'm educated too. Unterschaffierer. Jawohl. Schutter. Herr Kommandant! I'm only trying to do my job. Ja, I'm doing mine. अरे यार ये क्या मुसीबत है यार उसका I'm sure you're right. अरे बाप रे बाप अरे यार ये तो जल्लाद से भी बढ़ के काम है यार भैया वहां तो ऐसा मामला है जो बोल जा करो नौकरानी बनना जो करना करो जीसा उसने बोला ऐसा करो गिरा के फिर बनाओ उसको फालतू मार दिया छह सदी में इतनी तरक्की कर ली कि वो जल रहा है ये पढ़ लिख लिया और ये भी तो गोली मारी उसको इंजीनियर को ने ये दोनों का घुमाना था वो तो पैसे वाला आदमी है भैया ये ऐसी करेगा वो तो क्या हो गया ये अरे कैसे भाग रहा है यार मानने तो नहीं आ रहा कहीं निहत्तों को कितना डर रहा लोग यार कितना डर रहा लोग उसमें भरे उनने हीरे अरे ऐसा तो नहीं लूटा मलाटी करना आया हूँ वो खागा उसको वो तो अरे जहर मेरा तो नहीं 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 तो उसमें लपेट के खागा हीरे अच्छा ताकि सबूत नहीं मिले नहीं पेट में उतर जाएंगे तुम्हारे हाँ और लेटरिंग के जरिए हाँ बाहर हो जाएंगे ये फिर लिस्ट बनी है साहब ये ले। हाँ यार क्या जुलूम हो रही है ये तो यार मर जाएगी साले नहीं जाएगी तो मैं क्या करे बेचारा वो भी यार बड़ होने वाली है बहुत बड़ी वीडियो जो काम के उनको अलग कर रहे हैं जो बेकार है उनको आओ देख रही है ना ताओ वो तो आना धुन मार रही है भैया वो पकड़ ला है रो बाप रे बाप फसाया हमने नेशन नेशन अपने घर वालों को जहर पिला रहे हैं भैया वो हाँ कम से कम इज्जत की जिल्लत की मौत से इज्जत की मौत ही अच्छी है क्या करेगा वो समझ गई कहाँ लगता है बहुत जुल्म हुआ यार इंसान इंसानियत के नाम पे बहुत जुल्म ले भैया अब आके देख ले तू क्या देख मैं तो ये सोच रही हूँ क्या मंजर रिया होगा यार देखो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा वो तो सीधे से मार रहा है उसके नाक में जरा सा खून आएगा उस तक को गोली मारती हूँ भोई में दे रही हूँ गटर के रास्ते जो भगे थे वो भी पकड़ ले
बाहर आ गया जैसे जैसे भी है वो वापस पलट के आ गया वो। अच्छा वापिस आ गया तो दवाई मुझे मेरे हिसाब से अगर उसको बचना है नहीं तो मुर्दों के बीच में लड़ जाना चाहिए धीरे से तक लेटेगा उसे दफना थी मुर्दों गई 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 हो गई केला पड़ गया बेचारा ये तो अलग कर दी मुझे धीरे से कमरे में घुस गई Stay where you are. I'd rather you be here than who knows where. से बच्चे बिछड़ने पड़े अब तक फंस गया बेचारा वाह कैसा हंस रहा है यार Hide under the stairs. बच्चा पता नहीं जे कहीं है धीरे 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 छोरी को नहीं आ जाए छोरी तुम क्यों आ गई पीछे आ गए क्या हिटलर के पार्टी वाले उनके चेहरे तो एक जैसे मिल रहा है तो ये चीज़ पा सकती है उनके बीच में घुस जा कुछ तो उनकी पकड़ हो गई है कैसा और उसको तो अपने बिजनेस से मतलब है आशा कोई मारे कूटे उससे क्या लेना देना लोकतंत्र नाम की कोई जगह ही नहीं है पर लोकतंत्र नाम की यार इंसान के हुकूक उसके अधिकार सामाजिक संस्कृति कुछ तो ध्यान रखे इंसान यार और देखो यार मकानात के अपन इतवार से सोचे कि हर चीज मौजूद थी वहां पर देखो बड़े बड़े मकानात मौजूद है रहने की जगह नहीं हो कपड़े पे अच्छे अच्छे पहने में फिर क्या तकलीफ हुई थी कुछ तो हुआ होगा यार अरे यार तो इतना जुलुम कौन बर्दाश्त करेगा यार भाई वो देखो बच्ची कहाँ चली गई ये तो जो मेन बड़ा आदमी था नहीं बड़ा सबसे बड़ा उनका मेन अधिकारी जो था उससे आके बात करना थी ऐसे वक्त बच्ची की जान नहीं बचाएगी सोचो उसकी भी आदत पड़ चुकी है छुपने की अच्छा कितना सालों से जुल्म हो रहा होगा वो सेना पे सेना धड़ाधड़ आई जा रही अपन तो कोई जानवर को मारने में सोचते हैं यार वो तो इंसान को मार रहे हैं धड़ाधड़ आधा लगा को ढूंढ रहे हैं वो तो देखो आप कैसा घुसा हुआ था अरे हाँ कसम से क्या जुलम हो रहा है यार कतले आम बोलते हैं इसको तो यार एक अधिकारी आया ना इसने ज्यादा आज तक मचवाया चल रही गोली देखो पूरे इलाकों में गोली चल रही देखो 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 मोते कैसे हो रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़ मैं तो आज ये सुन के आज ये सोच के मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ ये बंदूक जिसने बनी वो गलत बनी है फैक्ट्री का काम भी ठप पड़ा हुआ है क्योंकि मजदूर तो थे वही थे बेचारे सारे यहूदी थे हाजरी भरा रही है क्या ये खड़ा सारा जल्लाद ओ तेरी क्या कर रही है किसको मार रही है जैसे अपन चाय पीते वो तो सुबह उठ के लोगों का शिकार कर रही है यार बोलो अम्मा मर गई यार है तुम्हारी साला अधिकारी है अधिकारी इसको कोई निपटा दो इसकी बीवी को निपटा देना चाहिए इसको बीवी क्या करेगी निपटा साले को इसका भेजे उड़ा इसका नियतों पे क्या गोली चला रही है वो तुम्हारे लड़की देखो बेचारे मजदूरी ठंडे में मजदूरी कर रहा है देखो ठाट इनके बैठ के खाना खा रहा है फर्क देखो इंसानों का फर्क देखो वही एक ही जगह पे वो भी एक ही टेबल पे बैठ उसके पीछे पड़ गया 375 मजदूर थे नहीं वो इसलिए आया है कि उसको लोगों को मार रहे ना तो उसके कारखाने का नुकसान हो रही है तो वो कह रही है कि आप लोगों को मारना बंद करो मेरा कारखाना चालू हो जाएगा
मेरा नुकसान हो रहा है इस वजह से आया हूँ. And the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exactly. Don't forget who you are working for now. चीरे का खोप डलवा दिया हूँ. अच्छा. हाँ. कौन हो रही है अभी तू कप्तान है क्या है तू? वो पगला किया है मुझे ऐसा लगता हो. ओहो रिश्वत में लड़कियों दे क्या उसको? अब वो बहुत अच्छे से जानता है कि किसको कैसे खरीदना है. क्या बोलूं मैं एस कॉन्ट्रैक्ट्स द लिस्ट इज इन द लॉ ड्रॉअर ऑफ माय डेस्क व्हिच यू सब चीजें लिखवा दी हैं कि इस चीज को रिश्वत देना है और इतने इतने अलग हिसाब से निकालना कहां से कौन सा हिस्सा निकालना. तो ये नहीं हो तो फिर ये अकेला तो ये कंपनी नहीं चला पाएगा. क्या है क्या है ये चीज दिख रही है मुझे. काम छुड़वा के दूसरे काम पे लगा दिया उसको. देखो कलाकार 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 टाइम दिख रहा था कितने बनाएगा. कब्जा पकड़ लिया उसे पकड़ लिया. उसके काम करने का तरीका पसंद नहीं आया शायद उसको. तेरा टाइम खराब कर कर रहा है तू. अच्छा बहुत ईमानदार मर जाएगा यार. ये बंदूक को क्या हो गया? बंदूक चल क्यों नहीं रही? अच्छा नहीं चल रही. इसे ईमानदार बच जाएगा कम से कम. रिकैलिब्रेटेड दिस मॉर्निंग. बच गया. ऑन टू ट्रैवलिंग कोर्ट. उसकी जिंदगी है लगता है. देखो वो दूसरी भी नहीं चल रही. वाह यार. इसे कहते हैं जाकर आगो सोइया मार सके ना कोई. क्या बात है यार बहुत जानदार. जिसको भगवान बचाए उसको कौन क्या कर सकता है. वाह यार क्या बात. जिसकी जिंदगी लिख रही थी दो बार उसने कोशिश करी दो दो अलग अलग बंदूकों से. नहीं मारेगा जरूर उसको. रुको 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 मारेगा जरूर. अरे अभी तो फिलहाल बच गया वो. हेर डायरेक्टर ऐसे पिन चलते थे पहले. थैंक यू सर. यू वेलकम. अच्छा ये था वो बंदा. ये किसने चुरा लिया? निकाली उन बंदूक. इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहा तो कैसे मारते हैं यार. वाह क्या बात है यार बहुत बढ़िया. He's very gifted. Yeah, sure. हाँ और क्या सही है. वो तो मरी गया उस पर इल्जाम लगा दो. सही किसी को तो बचा लो उसके जरिए. सिगरेट पी जा रही है. That's great. जो काम के लोग हैं सबको अकाउंटेंट ही भर्ती करा जा रही है. ये कौन ये महिला है? चली जाएगी वो लगता है ऊपर. इस बार हीरोइन बन के आई हो. So, what can I do for you? I don't have any money. I brought these clothes. I'm begging you. माँ बाप को ऐसा लो मेरे. No, I'm not losing money. That's not the point. The point is... It's dangerous. खतरा है. सही बात. 25. What do you want me to do about it? Nothing. किसी को गोली पिचकारी आया. लो इतनी बातें सुनी अकाउंटेंट को पर दरिया दिल था. एक घड़ी की रिश्वत में उसने बोला चलो निपटा खत्म करो यार. वो मान गया. वहां चोरी ने देख लिया. मुझे लगा कुछ खास काम करते होंगे. हाँ इसकी वजह से अंदर ला. सही बात. अरे नहीं नहीं वो तो ताने बूटी में लाया. वो तो था भैया. अरे कम से कम जान तो नहीं ले रही है कम से कम यार. हाँ ये तो सही. He asked me where they were for his dogs. You understand? कुत्तों को खाने के लिए इंसान को मार रही है. He said the reason I beat you now is because you ask why I beat you. ओहो ये इंसानों को गलत फहमी हो रही है कि हम ही भगवान है. अरे यार काम करने वाली घर में काम करती है सेवा करती है. यार तो नौकर है तो क्या हुआ. इंसान तो वो भी है ना यार. इसके आगे नौकर नहीं है. बोल दो इसको निपटाओ रहे इसको. इसके इसको कुछ पिला पिलो तो नहीं दिया कहीं जो गिर गया है ये सब. वो क्या घटिया क्यों पीते हो तुम? अच्छी बेचता हूँ. हाँ लोकल दारू ठरना पी लिया क्या? अच्छा मर जा सारा पी. हाँ यार I think you are drunk. That's power, Amon. That is power. Amon, शक्ति के नशे में. The good
और थोड़ी समझेगा कोई, इतना नशे में है वो, नाम समझ लिया सारा इनको यार। देखो ये बात प्यार से भी तो बोली जा सकती है। खुश हो गया, निकल लिया उसकी बात का असर हो गया, थोड़ी इंसानियत जाग रही। बेचारा टब साफ कर गया नहाने का, देखो आप। Go ahead, go on, leave, I pardon you. असर हो रहा है बातों का, इंसान समझाए नहीं तो समझता इंसान यार। हाँ यार, ये बात उसको बड़े आदमी को वो समझाता नहीं, वो भी समझता सही तो नशे, वो भी ताकत के नशे में उसने कितनों को निपटाया। हाँ। पूरे बाप रे, क्या करा, फिर आ गया गुस्सा इसको, कुत्ते की तुम सारी टेढ़ी की टेढ़ी। अबे यार कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी ही रहेगी, कभी सीधी नहीं हो सकती। हाँ साहब, हो रहा लेटरिंग भी धुलवा लिया कर भैया। साहब ने उसे लड़की कर दी, वही लड़की। कीड़े मकोड़े चूहे हैं, वो कंफ्यूज है, उसका दिमाग कभी अच्छा बनने को बोलता है कभी बुरा बनने को बोलता। ना बुरा मारा मुझको। तो जुलूम कर रहा है उससे, पप्पी कर लिया उसने, एक यहूदी था वो। देखो सर, थैंक यू वेरी मच, टेल देम थैंक यू फ्रॉम मी। देयर यू नो इफ दे वर देयर दे वुड हैव बीन गेस्ड। यस इट डजंट मेक एनी सेंस। तो जरूरत तो मार क्यों रहा है यार वो, तो फिर धान हो गया। सभ्य तो नहीं साली, खून निकाला हूँ क्या कर रही है? लालियों से मेकअप हो रही है, खून से मेकअप हो रहा है यार, खून की लाली और उससे मेकअप। हाँ तो अब वो उनके पास मेकअप तो है नहीं बेचारे, क्या करे, बचने के लिए कुछ तो करेंगे वो। बाप रे बाप, औरतों को यार बताओ ना, बड़ा जुल्म है यार ये तो। अरे कम से कम कर जाएगा हमारे तो यार, बड़ों को तो निपटाएंगे बड़ों को तो। अरे यार तो बात तो बात तो बात क्या यार, ऊपर वाले यार कम से कम कपड़े तो पहना दो यार। वही मैं कह रही हूँ, कम से कम कपड़े पहना के चेकअप कर लो बड़े मियों को। जूसा गाने लगा भाई, और जो अलग छटनी हो रही नहीं, उसे मरने के लिए तैयार है, गली बता रही हूँ मैं, ये मैं सोचना कहीं और चले जाएंगे वो। अच्छा हाँ, बोलते अच्छा माल अंदर वाली कचरा मार से बाहर तो बाहर करके ऐसा कर रहा हूँ। बच्चे तो भागेंगे यार अपने माँ बाप के पास। बचेगा बचेगा, अब जाएंगे बैरक में जा रहा ऑफिस। ये तो बच गया ठीक है, मगर जो कमजोर है उनके साथ क्या होगा? बच्चे रवाना होगा, बच्चों को लेके जा रहा हूँ कहीं ना कहीं तो ले जा रहा हूँ। अरे नहीं यार, बच्चों को लेके जा रहा हूँ यार, कम से कम बच्चों को साथ में रहने देते हैं यार। ये एक और बच्चा है, एक और बच्चा है। अरे तंदूर में मत बैठ जाना रे गलती से। पूरे बाप रे, गटर किसी भी गटर में उतरने से मजबूर होगा बच्चे भी। यहाँ दे निशानी निशानी दे रही है। पूरे बाप रे बाप, शेंद्र का दिल थोड़ा वो हो गया यार, कम से कम पानी पी भी लेंगे लोग। हाँ नरम पड़ गया उसका दिल, हाँ ठंडे हो जाएंगे यार, शेंद्र तो पहले से नरम है यार। देखो कितने प्यासे हैं बेचारे। अबे खेबड़े कहाँ का जुल्म हो गया बेवकूफ, एक तो बेचारा पानी पिला रही है लोगों उनको। अरे बहुत बढ़िया, तक सोचना चाहिए ना यार, बहुत अच्छा शेंडर यार।
पानी पिलाना भी एक बहुत बड़ा सवाब है भैया, थोड़ी बहुत इंसानियत तो है उसमें। बेहतरीन काला दिखाना भी उसका के जुर्म बन गया उसका। I violated the can point out the actual provision to me. वो पप्पी करी थी ना यहूदियों को, उसका केस है। अच्छा, मतलब उनको तुम्हें दूर रखना है, वो एक अलग समाज है, उससे तुम्हें हाथ छूना भी नहीं उनको। God forbid you ever get a real taste for your skirt. तो को छुड़वा अमून ने, देखो आप उसमें उसी अधिकारी जो गोली मारे पिचकारिया था यहूदियों को। दस हजार यहूदियों की लाशें जलाई जा रही हैं। बताओ, लाशें जलाई जा रही। उनकी लाश को निकला कर जला रहा यार। अरे यार, ये तो मैं देख ही नहीं, ये चीज समझ नहीं आ रही मेरे को यार, ऐसा क्यों करा? अब माल दिया वो तो ठीक है, मगर जला के क्या मिलेगा यार उनको, ये तो उनके रीति रिवाज से दफना दिया है तो फिर भी छेड़ रहा, क्यों छेड़ रहा है यार? देखो, 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 देखो। अरे हाँ, कितने लोगों को जलाया होगा यार, मेरे तो देखो अब आप ये सोचो को सारे ऑर्डर वो हिटलर दे रिया साला। बजा ओ जा रही है मुझसे, बास अलग मार रहा है बच्चे, किस किस में गंदगी तक में घुस गए बच्चे। देखा तो मुझसे भी नहीं जा रही है, मगर अब मैं क्या करूं, ये इनको किसी और जगह ले जाना है तो वो सोच रही है मेरी फैक्ट्री में काम कौन करेगा फिर? What's a person worth? No, 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 no. What's one worth to you? अरे वो यहूदियों को खरीदना चाह रहा वो। अब तोप के गोले बनाएगा भैया, बर्तन छोड़ गया वो। और उसका जन्म स्थान वहां जाके फैक्ट्री लगाएगा वो। लिस्ट बन गई भैया किस किस को खरीदना। ये दरिया दली से ले लिया है बच्चों, और काम हो रहा अभी बच्चों को खरीद रही है। हाँ, वो खरीद रहा बच्चों को, तो पैसे लो फ्री हो। सिगरेट यू स्मोक कनाइ टू मेनी फॉर एवरीवन यू स्मोक आई स्मोक हाफ। इसका नाम नहीं है उसमें भी, इसका मुद्दे का Say about this, you just told him. खास आदमी है उसका तो सबसे पहले होगा। अच्छा, वो फिल्म का नाम इसलिए तो लगा शिंडलर लिस्ट, ये लिस्ट तो नहीं गई वो। I never find a maid as well trained as her at Brinitz. It's a natural, I'll make it 14,800. तू आ खेल मेरे से। Come and work for me there. I want to grow old with her. Are you mad? शादी कर ले साले फिर। अरे उसको दे दे बे, अच्छे से पढ़ देगा वो। A natural 21 was 14,800. लालची। Rebecca and Joseph Bell. जोड़ा भी जा रही है। हेलन, हेलन आ गई। मैं जीत गया दाव। दाव तो जीत गया, मगर बहुत बड़ी कीमत चुकाई हूँ उनने यार। हेलन के और एक बात की खूबी देखो आप, उस लिस्ट में जितने लोगों के उसने नाम लिए ना उतने ही जा रहा है, उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा नहीं गया। देख लो, ये देखो आप, गरम गरम भाप मारो। वो भारी खड़ा हुआ है नहीं वो? ओहो, इंतजार में इतनी बड़ी ट्रेन आएगी तो इंतजार नहीं करेगा वो। But it's only a short walk further to the factory where hot soup. Welcome to Brinitz. आगे भैया दूसरी ट्रेन पे आ गई और तो बच्चों की। अरे औरतों की खाली यार, बच्चे तो वो खड़े तो थे, क्या देख रहा बाहर से इशारा क्यों करा कटने वाले हैं? अब यार कुछ न कुछ तो वजह होगी करने के लिए यार।
कहीं और तो नहीं पहुंच गई ट्रेन कहीं है? देखो क्या होता है। ये स्टेशन तो दूसरा है। हाँ। अरे हाँ दूसरा इलाका है तो। अरे कहीं गद्दारी तो नहीं कर गया वो शिल्डर? हाँ। अरे मेरे दिमाग में कुछ बात आ रही है, आदमियों की और बच्चों की जो ट्रेन थी ना वो पहुंच गई, वो सही मुकाम पे पहुंच गई और इसको दूसरी जगह पहुंचा दिया वो तो की ट्रेन को, ऐसा मुझे लग रही है। ऐसा क्यों हुआ भाई लड़िया? ये वो भी देख के हैरान है हम कहाँ आ गए। मुझे जिस हिसाब से इलाका लग रही है ना उस हिसाब से ऐसी आजादी वाली कोई बात नहीं लग रही मुझे, तो टेंशन वाली बात लग रही है भैया। गलती से पूछ गई वो जरिया बचाना बाल काट दे। बाल काटे जा रहे हैं तो क्या हो गया यार? अरे औरतों की तो सारी खूबसूरत बाल से ही रहती है भैया, वही काट दोगे तो क्या मजा आएगा? चलो कम से कम बाल ही काट रहे हैं ना, अच्छा यार कोई दिक्कत नहीं, जान तो बच जाएगी। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, चलेगा अच्छा। तो चलो दुपट्टा बांध लो, क्या करे कुछ तो बांध लो। मुझे कोई 1,00,000 रुपए भी दे दो मैं ऐसा शर्ट नहीं दू। अबे कहाँ जा रहा है? भेड़ बकरियों की तरह का ले जा रहा है उनको। ऊपर कुछ बोर्ड पड़ा, बोर्ड बोर्ड पढ़ो, बोर्ड पे क्या लिखा? लड़ दिया बंद कर दिया, बंद कर दिया। क्या करेंगे अब इनके साथ? अब देखो क्या करते हैं, अभी तो बंद कर दिया फिलहाल। करंट लगा दिया क्या भैया? हाँ अरे पानी है यार, चलो नहाने का पानी। सर्दी में ठंडे पानी से तो नहीं नहला रहा कहीं? पानी है पानी है पानी, चलो कम से कम नहा लो, नहा लो तुम। अरे नहला दिया सबको। कुए में से निकले हुआ खाई में गिर गया। ट्रेलर का ट्रेलर चले जा रही है बस्ती में। कहाँ ले जा, तल घर में ले जाना, कहाँ ले जाना है? वाला तो नहीं रह रहा है, मेरे को भी यही लग रहा है। देखो तो शिमला ऊपर चल रही है। ओ हो रिश्वत, पैसे से तो हर चीज खरीदी जा सकती है। All I say is I'm not comfortable with them on the table. नीचे से तो नीचे से मतलब आ गई तुम, लपेटे में आ गए अभी, लालच सबको है यार। क्या लगा रहा है, क्या लगा रहा है? इनको बचाने में उसका बहुत खर्चा हो चुका है भैया। अच्छा हाँ, रात का वक्त था तो रात के वक्त में शायद ड्राइवर को नींद तो नहीं आ गई। नहीं ये तो जुल्म हो गया, ये क्या हो गया, ये अलग क्यों जा रही है? सब वक्त पा गया, सही वक्त पा गया, सही वक्त पा गया। वो अगर नहीं आता तो नहीं जाने क्या करते बच्चों को, बाहर से गेट लगा देते हैं। हाँ के तोड़ के कूद भी सकते हैं रास्ते में कई बार। हाँ कूदे नहीं, सिर्फ मुंडी और हाथ निकल सकते हैं। हाँ कहीं भी निकल सकते हैं, इसलिए वो पहले पैक कर देते हैं। सही बात, अब बनाया लिखा के लाया, सही उसूल अब बनाया उन्होंने। नहाने पिलाने मजबूत है वो। हाँ ठाटे मैडम के वो सब कर रहे हैं। मैडम मैडम नमस्ते, मैडम मैडम नमस्ते, इज्जत दे रहा है मतलब। सेठ में सेठानी सेठानी कुछ तो करेगा ही। अरे मत मत ऐसा मत कर यार, कुछ करो उठा पटक। तोप के गोले ढंग से बना यार, ये रहा तोप के गोले, ये रहा। प्रार्थना करने की आ जाती होगी, शनिवार लग गया नहीं यार, शनिवार को प्रार्थना करते हैं यहूदी। नहीं शुक्रवार को बोला था, शुक्रवार का दिन था वो, सूरज डूब चुका है।
अच्छा, इसलिए शनिवार लगा है, इससे थोड़ी शक्ति मिल सकती थी यार। सात महीने तक संघर्ष करा, फैक्ट्री नहीं चल रही थी, फिर भी उसने जो है मजदूरों का पेट भरा अपनी जेब से। तो सब आजाद हो जाएंगे, अब तो चलेगा सब। अच्छा, ये भी नाजी पार्टी का आदमी था, सेना के लिए वो करता, मान लिया हार हिटलर ने, तो इसको मुझे मुजरिम भी हो जाएगा। तो 12:05 तक बोले साथ में, उसके बाद फिर ये मुजरिम बोले मुझे अंदर कर देंगे, तो अब तक फरार हो जाऊंगा। अच्छा, सोना छुपा कर रखा था उन्होंने। एक तरह से इन लोगों का भवन बन गया है, इन लोगों के दस्तखत है, तो कुछ काम आ जाएगा इनके। अब दिए अंगूठी हाथ में से। अबे ढूंढने में लग गया उसको, चक्कर क्या लिया है? वाकई में आपने फिर भी बहुत अच्छा काम करा, पुण्य का काम करके तो जा रहा, भगवान आपको सदा खुश रखे। कितना भावुक हो गया, देखो आप, देखो आप, फांसी साले कुत्ते को फांसी। अरे मुझे तो ऐसा लगता, अरे वो तो कुत्ते को तो जो है कि, अरे वो स्टूल ही नहीं लिया, देखना वो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सही शॉट मार दिया, सही शॉट, शाबाश अमोन मर गया, क्या बात है यार। ये आज के दिन का बताना है, आज तक उनकी नस्लें पनप रही इन लोगों की। वो शिंडर की कब्र भी दिखा दी, तो शिंडर मर चुका था यार, वो सब अपनी मौत से मरे। वक्त बढ़ते बढ़ते देखो रंगीन हो गया समय, इतने पत्थर रख देंगे कि पूरी कब्र भी ढक जाएगी। हाँ तो सही बात है, बचा इतने लोगों को तो। अच्छा, वहाँ का तरीका ऐसा, पत्थर रखते है नहीं वहाँ के लोग, हाँ हाँ, अपने वहाँ जो है कि वो रखते हैं, फूल रखते हैं। ऐसी फिल्म देखी है मैंने जबूतियों की, कि मैं क्या बताऊं, खून खराबा मारट होगी। वो तो आ रिया है तो वो तो यही नहीं देख रिया कि कौन इंसान है, बच्चा है, बूढ़ा है, कौन है, दे गोली। अरे मैंने तो, और अच्छा वाला सीन चलता रहता, वो मैडम आ जाती है बीच में, वो कपड़े ही नहीं पहनती है, वो आड़ी टेढ़ी बड़ी रहती है बस, और उनको दिखा देते पूरी फिल्म का सत्यानाश हो जाता। अरे यार कम से कम कुछ ढंग के कपड़े तो पहन लो। मुझे पूरी फिल्म में ये खुशी हुई कि जो है वो जो था उसने कम से कम ऐसा कुछ अच्छा काम तो करा था, आखिरी में उसकी कब्र पे लोगों ने पत्थर रखे और एंड में उन्होंने फूल रखे, तो इससे मेरे जहाँ तक ख्याल है ऐसा जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग मरने के बाद भी याद रखें, और चार लोगों के बीच में मरने के बाद तारीफ करें, बुराई तो लोग मुंह पे पीठ पीछे, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की भी खा दो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा काम करो कि लोग पीठ पीछे बुराई की जगह तारीफ करें, नहीं यार वो फलाना इंसान, हाँ वो ऐसा काम करके गया, बस इतना ही कहना, और अगर कुछ गलती हो तो माफी चाहिए। साहब ऐसा तजुर्बा द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इतिहास में लिखा हुआ है, किताबों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ा है, लेकिन उसके अंदर की हकीकत इस पिक्चर के माध्यम से जो पता लगी, ऐसा तजुर्बा मिला कि मैं समझता हूँ कि दुनिया ने इतना खतरनाक हादसा कभी नहीं देखा। ये 60 लाख यहूदी मर गए, और भी इस पूरी कहानी के दौरान हिटलर का ऐसा प्रकोप कि जो सैनिक जिस इलाके में है, और जो वो सेनापति अंदर का, वो तो शोक में गोलियां मार रही है, उनको आर्डर है बस मानने के, दौड़। अच्छा देखो आप उसमें कि जो थोड़ा बहुत नाक से खून आ रहा है, कमजोर है, बीमार है, उसको समझ रहे कि मुर्दों से बदतर है, उसको गोली मार दो, मतलब जान की कीमत ही नहीं थी। और फिर इन्होंने भेदभाव क्या करा कि सिर्फ यहूदियों को ही मार रहा था, दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे उस इलाके के, हिटलर के जर्मनी के अंदर, वो भी तो इंसान थे, उनको क्यों नहीं मारा तुमने, अगर तुम्हारे को इतनी, लेकिन उनको क्या बस दिमाग में बैठ गई थी कि यहूदियों को अपने को यहां से खत्म करना है, ये दूसरे कौम है,
इनको खत्म करना। सही है। और उस चक्कर में ये हुआ कि वो सोवियत यूनियन ने आखिरी में आके कब्जा कर लिया, 6 साल की मुसलसल वो पराक्रम के बाद और जद्दोजहद के बाद आखिर यहूदियों ने बहुत संघर्ष करा। जो भी हुआ सर, उसमें सैनिक भी मरे, जो भी हुआ, लेकिन सर वो फिलहाल जो है कि वो हिटलर मर चुका। अच्छी हुआ है कि वो 6 साल के अंदर मर गया और वो आजाद हो। तो मैंने तो हिटलर का नाम ही नाम सुना था कि हिटलर, हमारे यहाँ तो जो लोग जोरदारी करते थे उसको लोग कहते थे हिटलर की औलाद, हिटलर की औलाद। तो आज मुझे देख के पता चला कि वाकई में यार वो हिटलर है यार। और मैं देख के अब उसके क्या खून के बाकी में ही वो हिटलर ही था यार। सही में जो लोग कहते ना अबे तू हिटलर की औलाद है, अबे तू हिटलर, आज मुझे पता चला कि वो क्यों कहते हैं। ये थी वो वजह कि सही में हिटलर की औलाद। तो हिटलर का ऐसा जुलूम कि वो तो बच्चों को बकश ही नहीं रिया है, वो गोली मार रिया है, नंगा कर करके गोली मार रिया। और बच्चे बेचारे अपनी जान बचाने के लिए वो गटर तक में बदबू आ रही, मगर वहां घुसे हुए कितने महीनों से, कितने दिनों से घुसे हुए बेचारे। और वो उसको लेके गया कि भाई मुझे निकाल लो, आप निकल जा, तो वो डर के मारे उसने भटक लगा दिया कि नहीं मैं नहीं निकल। फरिश्तों का सिर्फ सुने सुना था कि अब आसमान पे होते हैं, उनके ऊपर होते हैं, इंसान उनको देख नहीं सकता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से जो शिल्डर था वो जीता जागता फरिश्ता था बादशाह, क्योंकि इतने सारे यहूदियों को बचा ले गया। सर जी, धर्म कोई सा भी हो, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, दुनिया का कोई सा भी धर्म, ये आपको सिर्फ जीने का तरीका दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। रे तो सब इंसान ही है पूरी दुनिया में, लेकिन धर्म के नाम पे तुमने इतने लाखों करोड़ लोगों को मार दिया है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है दुनिया, इससे ऊपर वाला खुश होगा क्या? तो कुल मिलाकर फिल्म तो बहुत अच्छी थी, पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट बना डाली और बहुत ही अच्छी लगी, मगर ये है कि जुल्म जो है बहुत ज्यादा हुए, तो कुछ अच्छा भी लगा और कुछ खराब भी लगा। मेरे को कुछ जगह पे जो बच्चों के साथ जुल्म हुआ, थोड़ा सा मेरा दिल कसक गया था, थोड़ी सी सिसकियां भर गया था मेरा दिल में, बस आंखों में आंसू नहीं ला पाया। पर सर वाकई में तारीफ करना चाहूंगा इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक, सारा खेल ग्रांड निर्देशक ने क्या छायांकन करके दिया है वाकई यार। पूरा उस वक्त का माहौल चलचित्र में बना दिया कि 70 मीटर के जो दायरे में तुमने जो चीज़ प्रस्तुत कर दी होगी उस लोगों के सामने, जब वो सिनेमा में उस वक्त चीज़ आई होगी सर 1993 में, लाजवाब छा गई होगी सर। मेरे हिसाब से मैंने समझता हूँ कि इस फिल्म को किसी ने नकारा होगा, क्योंकि हम इतने साल बाद वो चीज़ देख रहे हैं, ऐसा लगा कि यार अभी ताजी ताजी उतरी है क्या चीज़ अभी। तुम तो ये बात कर रहा, मुझे तो देखते देखते ऐसा लगा कि मैं तो वहीं बैठा हूँ बिल्कुल। बहुत शानदार अनुभव रहा, बहुत बेहतरीन अनुभव रहा कि ऐसा सिनेमा देखने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ इसमें जितने लोग मरे उन सबके लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति।